अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया है। He was poisoned. Something was kind of mixed with his food. And again, the unknowns have done the job. दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है। Sajid Mir was also poisoned. ISI tried to lift him in helicopter, tried him to send him in a hospital again, but he was not recovered. इससे पहले साजिद मीर जिसने जो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, उसको जेल के अंदर जहर दे दिया गया था और वो मर गया। This is a kind of a poison which cannot be recovered. Once done, it's a matter of time. You will go. पाकिस्तान इस चीज को अभी तक माना नहीं है कि दाऊद इब्राहिम उसके देश में रहता है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट शायद नहीं करेगा और हो सकता है कि हमें इसके बारे में ना पता चले। अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो कहीं ना कहीं उसको दफनाना हो या फिर जो भी कुछ होगा वो बहुत सीक्रेटिव तरीके से किया जाएगा। इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। ये राखी साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है। ये महाकाल की माया, सब उनकी इच्छा से होता है। We are doing nothing, we have nothing to do with it. It's the grace, it's the माया of Lord Mahakal, how he eliminates enemies and demons. After all, अब ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और ये जैश मोहम्मद का मसूद अजहर, ये सब लाइबिलिटी बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान उनको संभाल संभाल के बैठा है। आतंक की दुकानें तो मोदी सरकार ने बंद कर दी हैं। खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि दो दिन से चल रही हैं, पहले दो दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रही और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको जहर दिया गया और फिर उसके बाद उसके जो सारे आजाद थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह की कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये सवाल बाद में उठाएंगे कि ये राखी साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है, क्या ये उसी में से एक कत्ल हुई है। ये सबसे बड़ा, अगर इसको वाकई में जहर दिया गया है और इसको वाकई में अगर जान से मार देने की कोशिश की गई है तो शायद जो एक टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट हमारे यहाँ घूमते फिरते दिखाई देते हैं उनमें जिनका कहना चाहिए लेवल बड़ा हाई है या जो हेड करते हैं और कई चीजों में वांटेड भी हैं, उनमें शायद इसका पहला नंबर होगा। वरना अभी तक जो मारे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए जरूर थे, मगर उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं, यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है, या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों को, लोगों की जाने भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं, ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मगर ये खबर जो है यकीनन इतनी सनसनीखेज है या ये खबर यकीनन इतनी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे कोई हंगामा होने का भी शायद पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खतरा होगा कि जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में ये कहा है कि जी फौरी तौर पे पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको डाउन किया गया है, जिसकी वजह से हम ना तो यूट्यूब चला पा रहे हैं, ना कुछ अपलोड कर पा रहे हैं और ना ही हम लोग जो है इस सिलसिले में जो है कोई ट्वीट वगैरह या किसी किस्म की भी गूगल सर्विसेज इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, तो जैसा कि खबर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम, इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम डिलीट हो चुका है। हालांकि ये पुख्ता नहीं है कि डिलीट हुआ ही है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई एग्जैक्ट तो वो ये बताने वाले नहीं है कि डिलीट हुआ है या जीवित है। स्वाभाविक है अगर वो डिलीट हुआ है कहेंगे तब उनकी ISI और खुद पाकिस्तानी सवालों के घेरे में आएगा कि दाऊद इब्राहिम के बारे में जो कहा जाता था वो ठीक है, यानी कि पाकिस्तान ने उसे शरण दे रखी है कुछ समय पहले। हालांकि वो दुबई में भी रहा है, दुबई से ऑपरेट अभी भी ऑपरेट तो अभी दुबई से करता है, जैसे कि ब्लैक मनी, ड्रग्स
और जो सट्टेबाजी वगैरह होती है, इनमें कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रोल है दाऊद इब्राहिम का। अब दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबरें तो 2-3 दिन से आ रही थी, लेकिन अभी खबर है कि डिलीट ही हो गया है शायद, लेकिन अब पुख्ता नहीं है, कोई पक्का नहीं है कि डिलीट ही हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी कहेगा नहीं, लेकिन हाँ इनसे कुछ अंदाज़ा लग जाता है पाकिस्तान में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब जैसे कि इंटरनेट वहाँ पर ब्लैकआउट हो गया है, जैसे लाइट का ब्लैकआउट होता है ना, इसी तरह से इंटरनेट का भी ब्लैकआउट हो गया, यूट्यूब नहीं चल रहा है वहाँ पर, फेसबुक नहीं चल रही है, ट्विटर नहीं चल रहा है, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है, तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब पाकिस्तान स्वाभाविक है, अगर वो कहता है कि दाऊद जिंदा है तो वो सवालों के घेरे में आएगा। FATF की ग्रिलेट्स से जैसे तैसे अमेरिका ने बाहर निकाला है उसे, दोबारा से ब्लैक में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ग्रे में तो बड़े आसानी से चला जाएगा, क्योंकि सबूत पेश करने के बाद अमेरिका को थोड़ा इन्फ्लुएंस पर लेना पड़ता है, यहाँ कह सकते हैं अमेरिका का वर्चस्व है थोड़ा, तो वो जिसे चाहता है उसे डाल देता है, जिसे चाहता है उसे निकाल देता है, अमेरिका का रोल थोड़ा FATF में ज़्यादा ही है, और स्वाभाविक है जो पैसा देगा जहाँ पर ज़्यादा उसका वर्चस्व भी ज़्यादा वहाँ पर रहने वाला है। तो पाकिस्तान यहाँ कुछ भी बयानबाजी करेगा ये संभव ही नहीं है। तो हमें तो सिर्फ खबरों से, उड़ती उड़ती खबरों से ही पता चलेगा। हाँ काफ़ी समय से चल रही है, और पाकिस्तान में भी इंडिया में भी हर तरफ ये खबर तो है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया, और स्वाभाविक जिस तरह से एक बड़े आतंकी पाकिस्तान में निपट रहे हैं, अब ऐसा ये नहीं है कि जो निपट रहे हैं उनके पीछे भारत का या फिर रॉ का ही हाथ हो, क्योंकि रॉ का इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे आतंकी भी निपटे हैं पाकिस्तान में जो कि इंडिया से किसी भी तरह से उनके लिंक नहीं रहे, जब कुछ घटनाएं इंडिया में हुई हैं तब। अब जो इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड होते हैं वो जब मरते हैं तो थोड़ा खबर उछल जाती है, और मर तो ऐसे भी टेररिस्ट रहे हैं जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं रहा है, तो मारने वाला कौन है? हो सकता है ISI मार रही उन्हें, क्योंकि फूके हुए कारतूस हैं, अब किसी काम के तो ये रहे नहीं, ऊपर से इनके कंट्रोल से भी बाहर हो गए हैं, अपना वर्चस्व खुद बनाने में लगे हुए हैं ना, जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक अपना इलाका ही कब्जा लिया है कि भैया हमारा ही कंट्रोल है, अब यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल ही नहीं रहने दिया है इन लोगों, तो कह सकते हैं कि ISI चाहती है कि अब इनको डिलीट मारा जाए, क्योंकि बहुत सारे फोल्डर हो चुके हैं जो कि किसी काम के नहीं हैं, तो उन्हें व्यर्थ में रखकर मेमोरी भरने से क्या फ़ायदा, उन्हें डिलीट मारो, तो हो सकता है इसी कारण से। लेकिन दाऊद इब्राहिम तो तुपका इक्का है उनके लिए, जिसे कह सकते हैं दामाद बनाया, इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड रहा है, और कह सकते हैं जो जितने भी इलीगल तरह के काम होते हैं, ड्रग्स हो गया, वुमेन वगैरह ट्रैफिकिंग भी होती है, तो इन सब चीज़ों में दाऊद इब्राहिम का एक अच्छा रोल है, जो कि धन काढ़ने में पाकिस्तान की काफ़ी मदद करता है, या फिर हो सकता है कि वो धन काढ़ कर दाऊद इब्राहिम इन्हें ना दे रहा हो मदद के लिए, स्वाभाविक है इनकी स्थिति अभी आर्थिक हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इन्हें ना दे रहा हो तो इन्होंने डिलीट वाला बटन दबा दिया हो दाऊद इब्राहिम का। लेकिन उसके मरने के बाद भी स्वाभाविक खबर तो नहीं मिलेगी, और बताया भी ये जा रहा है कि अभी तो वो पाकिस्तान में ही है, स्वाभाविक है दुबई से निकाल दिया होगा सेको ने, क्योंकि यही ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ इलीगली काम करने हैं इनको, अच्छा काम तो करेंगे नहीं तो उनके लिए खतरा होगा, तो उन्होंने कहा कि चल पाकिस्तान ही जा, पाकिस्तान में ही रहना, और अफगानिस्तान में तालिबान को भी इसीलिए लाए थे कि ये सारे के सारे उधर शिफ्ट करेंगे, हम FATF की लिस्ट से बाहर आ जाएंगे, एक बढ़िया सा देश होगा जहाँ पर सब कुछ हो जाएगा, जैसे कतर है एग्जाम्पल के लिए, भले वहाँ पर आतंकी बैठे हैं लेकिन वहाँ पर काम करने वालों के लिए कोई खतरा नहीं, ऑपरेट किया जाता है जैसे गाजा पट्टी में कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर ऑपरेट किया जाता, तो इनका भी विचार था कि पूरी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ अफगानिस्तान में होगा, अफगानिस्तान क्योंकि तालिबान के अंडर में आ गया, हम यहाँ बैठकर पैसा खाड़ेंगे और सब कुछ अफगानिस्तान से ऑपरेट करेंगे, लेकिन इनको क्या पता था कि ये बात तो इनको पहले ही समझा दी थी कि जिन सांपों को तुम पाल रहे हो वो तुम्हें ही डसने वाले हैं, अफगानिस्तान को इन्होंने बैठाया, अफगानिस्तान में तालिबान को इन्होंने बैठाया, अब वो तालिबान इनको आए दिन कूट रहा है, अभी 25-30 इनके कह सकते हैं एक साथ ही सोल्जर ठोके थे, और लगभग 100-200 सोल्जर तो एक पीरियड में ही ख़त्म कर दी इनके, वो भी तालिबान ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, ये दोनों का लिंक है, एक दूसरे की शाखाएँ, जैसे कि कुछ बड़ी बड़ी वो होती ना हाई कोर्ट, उनकी कुछ शाखाएँ होती हैं, एक हाई कोर्ट यहाँ पर स्थित है, तो कुछ शाखाएँ हो गई, लोगों को दिक्कत ना आए उनकी कुछ शाखाएँ होती, इसी तरह से वही
तालिबान जो अफगानिस्तान का है उसी की एक शाखा है यहाँ पर, तो ये भी कंट्रोल से बाहर हैं, जिनको ये लोग पालते हैं वो इनके कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं, तो हो सकता है इसी कारण से इन्हें जहर देकर किसी को गोले मारकर इस तरह से निपटाया जा रहा हो, क्योंकि ये जानते हैं कि भारत को बदनाम किया जा सकता है, क्योंकि अभी निज्जर मरा था सो कैनेडा ने बिना सबूत के इल्ज़ाम लगाया था, अभी अमेरिका पन्नू को लेकर लगाई हुआ है, तो ये उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भारत की बदनामी की जाए, क्योंकि स्वाभाविक है पाकिस्तान में जाकर इन लोगों को मारना भारत की एजेंसियों को। और ये कुछ लोग तो ऐसे मरे हैं जो मामूली सी वैल्यू रखते हैं अपनी, ऐसे लोगों को मारने से भारत को कोई लाभ थोड़ी है, और ऐसे टाइम पे जब भारत अच्छी खासी तरक्की कर रहा है इन फालतू चीज़ों में भारत क्यों। स्वाभाविक है अब पाकिस्तान से आतंकी भारत में नहीं आ सकता ना, उसके लिए तो हम तैयार हैं, तो भारत तो ऐसा करेगा नहीं, तो यहाँ ISI अपने फूके हुए कारतूसों को डिलीट कर रही है।